चलिए देखिए, हमारे परीक्षा का जो अगला इम्पोर्टेंट सवाल है वो है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर आकर टकराती है तो टकराकर पुनः अपने मार्ग में वापस हो जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को, इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए क्या है, जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है और तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, दूसरा, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंबन बिंदु क्या होते हैं? डाला गया जो लंब होता है वो तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, तो ये परावर्तन के नियम है। दूसरा हमारा क्वेश्चन जो लगा हुआ है वो है निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष में प्यारे बच्चों, व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट से दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट से दिखाई नहीं देती हैं, तो ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में उपयुक्त फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि की वस्तुएं में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट से दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट से नहीं दिखाई देती हैं, तो ऐसे दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए क्या होता है? व्यक्ति के चश्मे में उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस का चश्मा होता है, उत्तल लेंस का चश्मा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे बोर्ड का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो लगा हुआ है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।